एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम ई विद्यार्थी चार्ट एंड। अब हम अपने चैप्टर नंबर 3 में आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, जो मैथ्स के हमारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन है वो हम हिंदी में कर रहे हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उसको समझ सके और जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में भी करे हैं उनको भी वो समझ पाए। तो हम यहाँ पे अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़े क्या होते हैं। ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, खासकर न्यूज में आता है आंकड़ों के माने तो ऐसा है। तो ये आंकड़े होते क्या हैं? बेसिकली अगर आपको किसी भी चीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि एक सिंपल सा मैं उदाहरण लेती हूँ कि अगर आपको बताया है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं जिसमें से इतनी लड़कियां हैं इतने लड़के हैं, तो ये आपको आंकड़े गिवन है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, ये होता है आंकड़े। जैसे कि अगर मैं आपको किसी स्टेट की बता दूं कि यहाँ की आबादी इतनी है, तो ये भी एक आंकड़े है। ठीक है, अब आपको आगे के दे रखे हैं प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? जब आपको जो आंकड़े दे रखे हैं उनको आप इस तरह से लिखते हो कि आपको उससे कुछ जानकारी मिल सके, तो हम बोलते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन कर रहे हैं। अब देखो इसमें हम उदाहरण ले, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक क्लास में लेट्स सपोज 10 बच्चों का टेस्ट हुआ और उन बच्चों के इतने इतने नंबर आए, ये मैंने आपको क्या दिए आंकड़े कि एक क्लास में इतने बच्चों के टेस्ट में इतने इतने नंबर आए। अब अगर मैं उन नंबरों को इस तरह से लिखूं कि मुझे पता चले कि कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए कितने बच्चों के कम नंबर आए हैं ज्यादा नंबर आए हैं, तो मतलब कि मैं उन आंकड़ों का प्रबंधन कर रही हूं जिससे मुझे कुछ जानकारी मिल सके। समझ में आ गया? अब देखो सबसे पहले आता है कि हम एक उदाहरण लेके समझते हैं कि आप करोगे कैसे। तो जो भी हमने उदाहरण लिया वही लेते हैं, आपको बच्चों के अंक दे रखे हैं, जैसे कि 10 नंबर का मान लो कोई क्लास में टेस्ट हुआ और उसमें से बच्चों के जो नंबर आए 5, 6, 7, 7, 5, 4, 9, 8, 7, 6, इस तरह से हमें ये नंबर दे रखे हैं, ये सारे बच्चों के नंबर आए। अब ये क्या है आंकड़े, इसे देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कितने बच्चों के कितने नंबर है, बस एक आप एक लेंस में देख के बता सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे नंबर आए हैं बच्चों के। अब हम इसको सारणी में लिखेंगे कैसे, मतलब कि एक तालिका बनाएंगे हम और उसमें हम इन जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उनको हम लिखेंगे। अब वो तालिका हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले उसमें हम आता है, हम लिख देंगे अंक, अंक मतलब ये जो नंबर आए हैं। दूसरे नंबर पे आएगा आपका मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है वो भी मैं आपको बता के दिखाऊंगी, ठीक है, अभी हम बनाएंगे तो आप देखना। उसके बाद आखिर में हम लिखेंगे छात्रों की संख्या। देखो सबसे पहले यहाँ पे अंक, एक अंक तो किसी का नहीं है, 2, 3, 4 कहाँ से, सबसे 4 से शुरू हो रहे हैं, तो ये लिख लिया हमने 4 आए हैं किसी के, फिर 5 भी आए हैं किसी के, 6 भी आए हैं, 7 भी आए हैं, 8 भी आए हैं, 9 भी आए हैं, तो यहाँ तक हमने ये अंक लिख लिए। अब आते हैं मिलान चिन्ह पे। मिलान चिन्ह क्या होता है, ये भी एक तरह से कोई भी आपके पास अगर अंक है उसको लिखने का तरीका है। जैसे कि अगर यहाँ पे 4 है तो वैसे आप 4 ऐसे लिखते हो, बट यहाँ पे आप 4 कैसे लिखोगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसी तरह से 1 लिखना है तो ऐसे, 2 लिखना है तो ऐसे, 3 लिखना है तो ऐसे, 4 लिखना है तो ऐसे। अब अगर आपको 5 लिखना है तो आप 5 लिखते हो, 1, 2, 3, 4 और फिर एक टेढ़ी लाइन डाल देते हो, तो ये हो गया 5, ठीक है। 4 लाइन डाली फिर एक टेढ़ी लाइन डाल दी, ये हो गया 5। इसी तरह से 6 लिखना है तो 5 ऐसे ही लिखोगे, साथ में 6, फिर 7, 8, 9, अब फिर से 10 आ गया, तो 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। समझ में आया? इस तरह से आप मिलन चिन्ह बनाते हो। अब यहाँ पे जो मिलन चिन्ह बनाएंगे वो हम इन अंकों के आधार पे नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 4 नंबर कितने छात्रों के आए हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 सिर्फ एक बार है, मतलब एक छात्र के आए हैं, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या हो गई 1 और मिलान चिन्ह कैसे बन गया,
इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांच अंक कितने बच्चों के आए हैं? एक, दो, दो बच्चों के पांच अंक आए हैं। तो यहां पे लिखेंगे दो इस तरह से और यहां लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद छह अंक कितने बच्चों के आए हैं? एक, दो, तीन, तीन बच्चों के छह अंक आए, तो एक, दो, तीन और यहां पे हम लिख देंगे तीन। ठीक है, अब उसके बाद छह के बाद हमारे पास है सात, सात कितने बच्चों के आए हैं? एक, दो, तीन, फिर से तीन बच्चों के, तो एक, दो, तीन और यहां पे लिख दिया तीन। आठ कितने बच्चों के आए हैं? एक बच्चे के, तो एक और यहां पे भी लिख दिया वन। नौ कितने बच्चों के आए हैं? एक और यहां पे भी लिख दिया एक। तो इस तरह से हमने ये तालिका बना दी, इसको हम बोलते हैं सारिणी। ठीक है, अब इससे आपको यहाँ पे अगर आप सिर्फ डंडे ही देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों जो है, ये जितने अंक के हैं ये ज्यादातर बच्चों के आए, मतलब छह या सात। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ से जानकारी मिल गई। तो ये हमने इस तरह से अपना जो हमें आंकड़े गिवन थे उसको लिखी है। ऐसे ही आपके पास जैसे ये एक तरीका है, इसके अलावा भी, इसके आगे भी और भी तरीके होंगे जो कि हम धीरे धीरे अभी करके देखेंगे और समझेंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे और इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास प्रश्न में आपको परिसर निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है या बहुलक निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे परिसर से। तो अगर आपको आंकड़े दे रखे हैं और आपको उसमें परिसर निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपके पास आंकड़े हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या में से आप सबसे छोटी संख्या को घटा दोगे, जैसे कि अभी हम एक उदाहरण लेके करते हैं इसको। अगर आपके पास आंकड़े दे रखे हैं दो, चार, छह, दो, सात, तीन, नौ, इस तरह से आपको ये आंकड़े दे रखे हैं और इसमें आपको परिसर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? नौ संख्या सबसे बड़ी है, तो नौ में से हम घटा देंगे सबसे छोटी संख्या जो कि दो है। तो नौ में से अगर हम दो घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सात, मतलब कि इन आंकड़ों का जो परिसर है वो सात होगा। ऐसे ही कोई भी आपके पास आंकड़े दे रखे हैं उनमें आप सबसे बड़ा संख्या देखोगे, फिर सबसे छोटी संख्या देखोगे और उसको उसको घटा दोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास माध्य। अगर आपको किसी आंकड़े का माध्य निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे अभी देखते हैं। माध्य निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है कि सभी आपके पास जो प्रश्नों दे रखे होंगे, प्रश्नों होते हैं जो आपके पास आंकड़े दे रखे हैं उनका योग, पहले मैं यहां फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है सभी प्रश्नों का योग और बटे में है प्रश्नों की संख्या। अब जैसे कि अगर इसमें हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, अगर आपके पास चार, दो, तीन ये आंकड़े दे रखे हैं और इसका आपको माध्य निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सभी प्रश्नों, प्रश्नों का मतलब है आंकड़े, मतलब ये जो दे रखे है इनका योग, योग मतलब इनको जमा करना है, तो चार जमा दो जमा तीन और बटे में हमारे पास है प्रश्नों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि ये कितने हैं? एक, दो, तीन, तीन संख्याएं हैं यहाँ पे, तो ये लिख दिया हमने तीन। ऐसे इसमें और होते, पांच होते, छह होते तो हम वो गिन के यहाँ लिख देते। अब इसको करते हैं जमा करो, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, तो ये आ गया नौ बटे तीन। ये दोनों तीन के टेबल में आते हैं तो ये हो गया एक और ये हो गया तीन, तो उत्तर आपके पास आ गया तीन, मतलब इनका माध्य अगर आपको निकालना है तो वो तीन होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे वाले पे जो है माध्यक। माध्यक क्या होता है देखते हैं।
माध्यक के नाम से आपको पता चलेगा कि माध्यक होता है अगर आपके पास आंकड़े दे रखे हैं तो उसमें जो बीचों बीच वाली संख्या होती है वो हमारा होता है माध्यक। जैसे कि फिर से लिख लेते हैं 2, 4, 6, 3, 8, 7, 9 इस तरह से हमें ये आंकड़े दे रखे हैं। अब इसमें से जो सब इसमें बीच वाली संख्या होगी वो हमारा माध्यक होता है। लेकिन एक चीज उसमें ध्यान रखनी है, जैसे ये आंकड़े हैं तो अभी आप इसका बीच वाली संख्या नहीं देखोगे, या तो आप इसको आरोही में लगा दोगे या अवरोही में, ठीक है। या तो सारे जितने यहाँ पे है सारे आरोही में लगा दो या सारे अवरोही में। सो अभी हम लगाते हैं, सबसे छोटा लिखते हैं 2, उससे बड़ा 3, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। तो ये हमने इस तरह से इसको आरोही में लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब आप इसका देखो कि बीच वाली संख्या कौन सी है। तो मेरे हिसाब से ये वाली बीच वाली होगी, क्योंकि इसके इस तरफ 1, 2, 3 नंबर है और इस तरफ भी 3 नंबर है, मतलब ये बीचों बीच वाली संख्या होगी, जिसका मतलब है ये माध्यक हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं। अब आते हैं आखिरी वाले पे, जो है हमारा बहुलक। बहुलक क्या होता है, फिर से हम कुछ आंकड़े ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पे आंकड़े ले लिए। अब बहुलक होता क्या है, बहुलक होता है कि आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा अधिक बार आ रही है संख्या वो हमारा होता है बहुलक। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। उसके बाद 6 आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बार, तो 6 हमारा 4 बार आ रहा है। 9 1 बार आ रहा है और 7 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, कौन सा अंक आ रहा है हमारे पास, 6। तो मतलब कि इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 6 हो जाएगा। इसमें आपको आरोही या अवरोही में लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कौन सी आपकी संख्या है जो ज्यादा बार आ रही है, ठीक है। तो इससे हमने बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे अभी हमने समझा परिसर कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है दंड आलेखो। दंड आलेखो क्या होता है, इसमें भी आपको कुछ आंकड़े दे रखे होंगे, लेकिन इस बार आप उन आंकड़ों को, जैसे पहले हमने सारिणी में किया था एक तालिका बना के, अब हम उसको ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे। ग्राफ पेपर आप सबको पता है ग्रीन कलर का जो लाइंस वाला होता है उसके ऊपर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो अभी हम सीखते हैं। तो उसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कि आपको एक बच्चे के अंक बता रखे हैं, वो भी अलग अलग विषयों में उसके कितने अंक आए एग्जाम्स में वो हमें दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने अंक आए और यहाँ पे लिख लेते हैं किस किस विषय में। मान लो कि 10 नंबर में से दे रखे हैं विषय, हम लिख लेते हैं अभी इंग्लिश हिंदी मैथ्स और साइंस, ठीक है। ये हमने लिख लिए इंग्लिश हिंदी गणित और विज्ञान, ये सारे हमने विषय ले लिए और इसमें नंबर आए हैं 7, 6, 4, 9, ठीक है। ये आपको अब दे रखे, ये जो दे रखे ये क्या है, ये हमारे पास आंकड़े दे रखे। अब इन आंकड़ों को हम ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह से ये बनता है, ये आपने 2 लाइनें डाली। अब इस तरफ आप अंक ले सकते हो और इस तरफ विषय ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, यहाँ पे विषय लो और यहाँ कहीं भी ले सकते हो, यहाँ विषय ले लो, यहाँ अंक ले लो, या यहाँ अंक ले लो, यहाँ विषय ले लो, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये शुरू होता है 0 से, ठीक है। अब हमारे पास सबसे ज्यादा 10 में से है तो 10 से ऊपर तो नहीं जाएगा, तो ये हम बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे आप पूरा 10 तक भी बना सकते हो, यहां तक ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन, जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको ये लाइनें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे यहाँ पे हम विषय ले लेते हैं, क्या क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है और साइंस है,
ठीक है, अब देखो सबसे पहले विषय है इंग्लिश। इंग्लिश में 7 नंबर आए, यहाँ पे देखो 7 कहाँ है, इधर, तो इसके आगे हमने एक इस तरह से रेखा खींच दी। अब आपको एक दंड बनाना है इस तरह से, इसको हम बहुत इंग्लिश में बार बोलते हैं, अपनी बुक में भी देखोगे बहुत जगह पे आपको दे रखा होगा। तो ये जो अभी हमने बनाया है ये हो गया इंग्लिश का बार, इस तरह से। अब दूसरे पे आ जाओ, हिंदी में 6 नंबर है, तो 6 यहाँ पे आ रहा है, इसको नीचे ले गए, इसको ऐसे ले गए, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में 4 नंबर, तो 4 यहाँ पे है, ये बनाई लाइन और ये गया इस तरह से। फिर उसके बाद साइंस में 9 नंबर है, 9 यहाँ पे है, तो ये हमने इधर बनाया और इसको नीचे ले गए। अब देखो अगर इन आंकड़ों को आप इस तरह से लगा दोगे तो एक मिनट में देखते ही आप बता सकते हो कि साइंस में सबसे ज्यादा नंबर है क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, और मैथ्स में सबसे कम नंबर है क्योंकि ये नीचे है, समझ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये दंड आलेख बनाते हो अगर आपको आंकड़े दे रखे हैं। अब जैसे ये अभी हमने देखा ये है दंड आलेख, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं दोहरे दंड आलेख। दोहरे का मतलब क्या है कि एक ही ग्राफ में, एक ही में आप दो चीजें बनाते हो। जैसे कि मान लो हम ये आंकड़े लेते हैं और यहाँ पे ये जो मार्क्स है ये मान लो बच्चे के पहले सेमेस्टर में आए, अब जब दूसरी बार फिर से टेस्ट हुआ या दूसरी बार फिर से जब पेपर हुए तो उसके भी आपको मार्क्स बता दिए कि दूसरी बार जब पेपर हुआ तो उसके नंबर 10 में से 6 आए, इसमें 5 आए, इसमें 8 आए और इसमें 7 आए, ये नंबर हमें दे दिए। अब देखो अब अगर आप चाहो आपको लगेगा कि ये पूरे के लिए मेरे को जो नया अब आंकड़े मिले उसके हिसाब से एक नया ये बनाना पड़ेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसी में ही ये वाले आंकड़े भी लगा सकते हो, इसी को ही हम बोलते हैं दोहरे दंड आलेख, ठीक है। अब क्या करोगे, इंग्लिश में 6 आ रहे, पहले आए थे 7 नंबर, अब आए हैं 6 नंबर, तो अब 6 से आप इसी के साथ में इस तरह से उसको जोड़ के एक बना दोगे, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में 5 हो गए, तो ये यहाँ से 5 पे सीधी लाइन और इसके साथ जोड़ के हमने ये बना दिया। फिर मैथ्स में 8 नंबर हो गए, तो इसको यहीं से जोड़ते हुए लाना है और ये हो गया 8, ठीक है। फिर साइंस में 7 नंबर हो गए, तो ये यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, पहले जैसे आपको समझ आया था किसमें सबसे ज्यादा है किसमें सबसे कम है, अब इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पे था ये यूं जा रहा है तो मतलब पहले से अब अंक कम हो गए, यहाँ पे भी कम हो गए, इधर अंक बढ़ गए और इधर भी कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि इन दोनों में भी क्या फर्क आया है, ठीक है। इस तरह से हम दंड आलेखों को बनाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे जो कि है प्रायिकता। अगर आपको प्रश्न आए और उसमें आपको प्रायिकता निकालनी होगी तो वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। उससे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है प्रायिकता। बेसिकली आप इसको सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो वो होता है कुछ होने की संभावना, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ चीज होगी या नहीं होगी उसकी क्या संयोग है। जैसे कि अगर मैं मान लो बाहर गई और मैं किसी से बात करते हुए बोल रही हूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो अब होगी या नहीं होगी इसकी क्या संभावना है, ये क्या संयोग है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग चीजें आती है जहां पे हमें निकालनी होती है कि कुछ होने की या ना होने की क्या संभावना होगी, उसको हम बोलते हैं प्रायिकता निकालना। जैसे कि अगर हमारे पास हम एक सिक्का लेते हैं, जैसे आपने पैसों में देखा होगा जो सिक्के आते हैं, अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो उस सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मतलब कि उसमें जो आने की संभावना या तो हेड या टेल, यही दो चीजें आ सकती है। सिक्का हवा में तो रहेगा नहीं या सीधा खड़ा तो होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे पता है कि इस चीज में हमारे पास दो संभावना है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि हेड आने की कितनी संभावना है, आपसे मैं पूछूं कि आप ये सिक्का उछाल रहे हो कि क्या संभावना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों की बराबर है कि या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा,
तो दोनों की इक्वल संभावना है। इसी तरह से और भी आपके पास चीजें होती है, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं उसमें हमारे पास डाइस होता है जो हम फेंकते हैं, तो उसमें भी एक से लेके छह अंक में से कुछ भी आ सकता है, तो उसकी भी संभावना निकालनी। तो अब देखते हैं कि अगर आपके पास प्रश्न होगा और उसमें आपको प्रायिकता निकालनी होगी तो वो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा जो कि है आने की संभावना और इसके बटे में हमारे पास आ जाती है कुल संभावना। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सिक्के की बात करते हैं, अगर मैं एक सिक्का उछाल रही हूं तो उसमें हेड या टेल आने की संभावना पूछ रही हूं। तो अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हेड आने की क्या संभावना है, तो अब जो हम यहाँ पे प्रायिकता निकाल रहे हैं वो हेड की निकाल रहे हैं कि क्या संभावना है। तो अब देखो आने की संभावना, अब यहाँ पे दो ही चीजें हैं, या तो ये आएगा या ये आएगा, हमें कितनों का देखना है, हम दोनों का तो नहीं देख रहे, सिर्फ एक का देख रहे हैं। तो आने की संभावना में हम एक लिख देंगे और उसके बाद नीचे है कुल संभावना और कितनी संभावना हो सकती है, एक दो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया एक बटे दो और ये ही है हेड आने की। अगर आपसे प्रायिकता पूछा जाएंगे तो वो है एक बटे दो। अब ऐसे ही हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप वो जो गीटा होता है उसको फेंकने की है, तो उसमें या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा, यही हो सकती है संभावना। अब अगर मैं पूछूं कि मैंने गिट्टा फेंका और अब मैं आपसे कह रही हूं कि मेरा चार नंबर आएगा, इसकी क्या संभावना है, तो चार नंबर इसमें कितनी बार है, एक ही बार है, ये हो गया। तो मतलब कि आने की संभावना में हम एक लिख देंगे, ठीक है, और कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, एक दो तीन चार पांच छह, इनमें से कुछ भी आ सकता है, मतलब छह संभावनाएं हो सकती है, उसमें से एक है जो हम कह रहे हैं। अब ये ऊपर वाला और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। अगर हम इसी का ही उदाहरण ले, यहाँ पे चार आने का आपके पास प्रायिकता ही आ गई एक बटा छ। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि अगर हम ये गिटा फेंके तो चार से छोटा नंबर आने की क्या संभावना है। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे जो आपकी आने की संभावना है उसमें क्या हो जाएगा, चार से छोटा बोला, चार से छोटा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में से अगर कुछ भी आता है तो वो मेरी आने की संभावना होगी। तो यहाँ पे अब ऊपर तीन हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों नंबर में से कुछ भी आ जाए वो चलेगा। और कुल संभावना कितनी रहेगी, कुल संभावना अभी भी छ है, तो ये हो जाएगा तीन बटे छ। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा एक बटे दो। तो मतलब कि चार से छोटा अंक आने की प्रायिकता एक बटा दो। समझ में आया। इसी तरह से आपके पास और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन भी, बहुत इजी है, आप जाके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी। लेकिन आप लोगों के लिए अभी भी मैंने एक चार्ट बनाया है इस चैप्टर का भी, जिसमें जो भी इसमें वर्ड्स है जो आपको एक्सरसाइजेस में इंग्लिश में मिलेंगे वो मैंने एक्यूरेट आपकी बुक के हिसाब से जो हिंदी में होगा वो मतलब आपको बता रही हूँ, ताकि जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो और किसी वर्ड पे अटक जाओ कि इस वर्ड का हमारी हिंदी में क्या मतलब है या हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं एक चार्ट दूंगी आपको, आप चाहो तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, सो अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा क्या होता है, आंकड़े हैं जो गिनते रखे होते, तो कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया आंकड़ों का संग्रह, मतलब जो आंकड़े हैं उसको इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मतलब आंकड़ों का संगठन, मतलब डाटा जो है उसको इस तरह से लिखना कि उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कोई जानकारी मिले, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग या फिर आप बोल सकते हो संगठन। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, तो वो होता है प्रतिनिधि मान। उसके बाद मीन माध्य होता है, मीडियन माध्यक होता है, मोड बहुलक होता है, रेंज
परिसर होता है, बार ग्राफ जैसा भी हम पढ़ के आए हैं, दंड आलेखों को बोलते हैं, और स्केल होता है, हिंदी में भी कई बार स्केल को स्केल ही बोलते हैं, और ये स्केल आपका रूलर वाला स्केल नहीं है, फुट्टा नहीं है, ये स्केल है जो हम बार ग्राफ पे स्केल लेते हैं कि कितने कितने का गैप रखना है, उस स्केल को हिंदी में भी कभी कभी स्केल लिखा होता है या फिर उसे हम बोलते हैं मापदंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांस होता है संयोग, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं प्रायिकता, उसके बाद टेबुलर फॉर्म, जैसे हमने देखा तालिका में जब हम लगाते हैं तो इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सारणी के रूप में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन होता है हमारा प्रश्नों, उसके बाद असेंडिंग आरोही और डिसेंडिंग अवरोही, जो होता है साइन असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब जितनी संख्या है उनको आरोही में लगा दो या डिसेंडिंग हो गया अवरोही। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। आज के लिए इस चैप्टर के लिए इतना ही, अब हम फिर से मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।